जब हम होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कराते हैं। इस प्रक्रिया में कई पहलुओं को शामिल किया जाता है। लोन की राशि प्रॉपर्टी के मूल्यांकन से ही तय होती है। इस काम के लिए बैंक और फाइनेंस कंपनियों के पास विशेषज्ञों की टीम होती है। टीम के सदस्य संस्थान के कर्मचारी भी हो सकते हैं। कुछ वित्तीय संस्थान इस काम को आउटसोर्सिंग पर भी कराते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट रेट, सर्किल रेट और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कई बैंकों के पास मंजूर हुए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी होती है। अगर आप उनमें फ्लैट खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी का कोई कानूनी या तकनीकी मूल्यांकन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक पहले ही प्रोजेक्ट की कानूनी और तकनीकी खासियतों का मूल्यांकन कर चुके होते हैं। बैंक से मंजूरी पाए प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदना क्रेडिट अप्रेजल में समय की बचत कराता है। हालांकि रीसेल के वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए तकनीकी मूल्यांकन ज़रूरी है। इसके तहत बैंक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के अलावा प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी कितने साल पुरानी है, कंस्ट्रक्शन, साथ ही कॉरपोरेट और बिल्टअप एरिया पर भी गौर करते हैं। बैंक संपत्ति की मार्केट वैल्यू का एक निश्चित फीसद हिस्सा तक ही आप लोन ले सकते हैं। आम तौर पर होम लोन की स्थिति में वित्तीय संस्थान मकान की कीमत का करीब 85% और पुरानी प्रॉपर्टी गिरवी रखने पर मूल्यांकन का 70% तक लोन मंजूर कर देते हैं। वैल्यूएशन की प्रक्रिया की लागत प्रोसेसिंग फीस में शामिल होती है। ये राशि बैंक आपसे लोन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मांग सकता है।